प्रोडक्ट नेम फीडिंग, सबसे पहले आप प्रोडक्ट का लिस्ट चेक कर लीजिए। आप इसमें टोटल 250 प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर दिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर जिसको हम PLU नंबर बोलेंगे, और प्रोडक्ट के कोड यानी आइटम कोड। अभी ये आपको डालने के लिए कैसा प्रोसीजर है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मशीन को ऑफ कंडीशन में आपको 9 नंबर की प्रेस करके ऑन करना है। डिस्प्ले पे PR नंबर मींस प्रोडक्ट नंबर 13 प्रेस करना है। प्रोडक्ट नंबर 1 सिलेक्ट करना है जिसको हम PLU नंबर बोल रहे हैं 13। P001 नंबर का लोकेशन सिलेक्ट किया हमने, 6 लीटर यहाँ पे आपको डालना है। जो भी प्रोडक्ट डाला हुआ है आप उसको इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। MEM A to Z आपका इक्रीमेंट और MEM डाउन एरो आपका डिक्रीमेंट। टेयर से आपका इंटर का काम करेगा, MC से आपका शिफ्ट का काम करेगा। हमने एक लेटर को ब्लैंक कर लिया, उसके बाद हम इसको 6 टाइम दबा के पूरा ब्लैंक करके क्लियर कर दिए। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालेंगे BOP। BOP डालने के बाद MC शिफ्ट दबाइए। यदि आपका अंकों में नंबर है, अगर अल्फा मेमोरी है तो आपको शिफ्ट दबाना है, अगर अंकों में है तो आपको शिफ्ट बटन नहीं प्रेस करना है, डायरेक्ट नंबर प्रेस करना है। 0 0 0 3 times 0 यहाँ पे आया और एंटर। अभी हमारा जो 2 कैरेक्टर्स बाकी रह रहा है जो 02, तो यहाँ पे भी आप 1M में भी डाल सकते हैं 02। उसके बाद MC शिफ्ट, यहाँ ये करेक्टर्स आपका आ रहे थे इसको ब्लैंक कर दीजिए। आप एक बार A to Z दबाइए, फिर डिक्रीमेंट दबाइए, ब्लैंक डिजिट आएगा Z के बाद, और यहाँ पे आप शिफ्ट कर दीजिए। ये शिफ्ट करने से क्या होगा, वो दोनों ज्वाइंट आएंगे। अगर आप यहाँ पे रखेंगे नंबर तो बीच में स्पेस मिलेगा। तो आपका ये टोटल 18 करेक्टर का दिया हुआ है, ये 3rd स्टेप है H करके। यहाँ आपका नाम कम्प्लीट हो गया तो आप एंटर करके आगे जाइए, कंटिन्यू आएगा। कंटिन्यू जब भी आएगा तभी आपको टेयर करके 1 डालना है, तो वो यस का काम करेगा। ये यदि 0 करेंगे तो सेटिंग से बाहर जाएंगे। यहाँ पे वापस टेयर कीजिए, प्रोडक्ट नंबर वापस पूछा आपको। प्रोडक्ट नंबर टू में टेयर कीजिए, P002L आ गया, यानी 2nd नंबर का लोकेशन हुआ प्रोडक्ट का। यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट का नाम डाला हुआ है, इसको भी ब्लैंक कर दीजिए। यहाँ पे भी अभी टाइप कीजिए BOP। BOP डालने के बाद अभी यहाँ पे 4 times 0 3 है, तो हम 1 2 3 ध्यान देना है, हाई लेफ्ट साइड में शिफ्ट नहीं करना वरना डिलीट हो जाएगा। 3 times 0 के बाद टेयर 2M, अभी यहाँ पे 0 3 MC शिफ्ट 1 time। अब इसको करेक्टर्स को ब्लैंक कर दीजिए, डिक्रीमेंट से MC से शिफ्ट कर दीजिए। टेयर 2H, यानी हमारा प्रोडक्ट का नाम कंप्लीट है इसलिए हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। वापस टेयर, कंटिन्यू है। कंटिन्यू वन आने के बाद वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है इसलिए आपको 2 ही प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डाल के दिखा दिया। यदि तीसरा प्रोडक्ट डालना है तो वापस आपको कंटिन्यू में हमेशा 1 रखना है और टेयर करना है। प्रोडक्ट नंबर यहाँ 3 डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाला हुआ है, एडिट करके आप अपना नाम डाल दीजिए 18 कैरेक्टर में जो भी रहेगा। फिर कंटिन्यू आएगा, यहाँ पे हमने कंटिन्यू में अभी सेटिंग से बाहर डालना जाना है, तो हम टेयर प्रेस कर देंगे तो बैंक मोड में मशीन आ जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम का प्रोसेस कंप्लीट होता है।